और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। बुधवार को झांसी में आम आदमी पार्टी की जिले की मुख्य इकाई व अन्य सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों व सदस्यों ने कलेक्ट्रेट में जिला अध्यक्ष कैलाश कुशवाहा के नेतृत्व तथा प्रदेश सह प्रभारी निर्मल मिश्रा की अध्यक्षता में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन अधिनियम 2021 के विरोध में देश के राष्ट्रपति को नामित ज्ञापन जिला अधिकारी झांसी को सौंपा और केंद्र की मोदी सरकार द्वारा की जा रही लोकतंत्र की हत्या के विरोध में नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताया। इस अवसर पर प्रदेश सह प्रभारी ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार संसद में एक बेहद खतरनाक बिल लाकर चुनी हुई दिल्ली सरकार को कमजोर करने की साजिश कर रही है। इस बिल के पास होने के बाद एलजी के पास सभी शक्तियां होंगी और दिल्ली सरकार के सभी प्रस्तावों को लागू करने का फैसला उनकी मेहरबानी पर होगा। जबकि वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपने निर्णय में दिल्ली सरकार व एलजी की शक्तियों व कार्यक्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया था, परंतु दिल्ली विधानसभा में मिली करारी हार, एमडीसी उपचुनाव में 0 सीट मिलने और दिल्ली से लेकर गुजरात तक जिस तरह से आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है और जन समर्थन बढ़ रहा है, उससे भाजपा परेशान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार एक बार पुनः दिल्ली में षड्यंत्र कर चोर दरवाजे से संविधान पीठ के फैसले को पलटते हुए दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कमजोर करने और दिल्ली में विकास कार्य ठप करने के षड्यंत्र में आगे बढ़ चुकी है। संसद के अंदर जो संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया है वह साफ साफ इस बात को दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। प्रदेश सचिव श्रीमती अर्चना गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के लोग इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित हैं कि आखिर यह क्यों किया जा रहा है। अभी दिल्ली सरकार ने एक साल के कोरोना काल के बाद दिल्ली के अंदर देशभक्ति बजट प्रस्तुत किया है। कई सारी नई कार्य योजनाएं बनाई गई हैं जिनको दिल्ली के अंदर लागू करना है। दिल्ली के अंदर आज़ादी के 75वें वर्ष गांठ के अवसर पर देशभक्ति को लेकर अभियान चलाने का निर्णय हुआ है। देशभक्ति पाठ्यक्रम को दिल्ली में लागू करने का निर्णय हुआ है। दिल्ली सरकार बजट में जितने भी प्रस्ताव लाई है अब उन प्रस्तावों को लागू करने का फैसला एलजी की मेहरबानी पर होगा। इस अवसर पर प्रदेश सह प्रभारी निर्मल मिश्रा, प्रदेश कोषाध्यक्ष उज्ज्वल मोदी, प्रदेश सचिव श्रीमती अर्चना गुप्ता, जिला अध्यक्ष कैलाश कुशवाहा, जिला संगठन अध्यक्ष मोहम्मद अरशद खान, जिला उपाध्यक्ष अनुरुद्ध प्रताप सिंह, छात्र इकाई CYSS के प्रदेश उपाध्यक्ष सचिन साहू, महानगर अध्यक्ष इरशाद खान, जिला महासचिव राजकुमार राव, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष शफीक बख्श, अधिवक्ता प्रकोष्ठ के अधिवक्ता अभिनव अग्रवाल, मीडिया प्रभारी सुनील कुमार, IT सेल के अजय बरसैया, महानगर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हबीब सिद्दीकी, जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ उमेश सिंह, कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर ठाकुर दास, भगवान दास, राजीव द्विवेदी, वीरू वाल्मीकि, रविंद्र कुमार, रजनीश समाधिया, आनंद मिश्रा, राहुल झा, ऋषभ दुबे, अमरदीप, सुमित विश्वकर्मा आदि उपस्थित रहे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार के साथ आकाश यादव की रिपोर्ट। मैं आम आदमी पार्टी का उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी हूँ और आज का ये ज्ञापन और धरना प्रदर्शन केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली सरकार के अधिकारों को छीने जाने के विरोध में है। केंद्र सरकार एक पिछले दरवाजे से एक असंवैधानिक जो है प्रक्रिया के तहत एक नियम लाना चाहती है और उस नियम को लागू करके दिल्ली में दिल्ली सरकार की शक्तियां कम करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाना चाहती है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि दिल्ली में पिछले लगभग 6 वर्षों से आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार जनहित के कार्यों में लगी हुई है और सत्ता की भूखी लगभग 25 वर्षों से दिल्ली की सत्ता पे अपना कब्जा जमाने की कोशिश करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब जो है हताशा के उसमें आ गई है और बैकडोर से इस तरह के कानून, इस तरह के बिल लाके पारित करके दिल्ली की सरकार को जो है कमज़ोर बनाते हुए अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास कर रही है।
तो आज झांसी में प्रचार किया आपने? जी आज झांसी में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में, और पूरे दिल्ली में भी जो है जंतर मंतर पे हमारा बड़ा धरना और ज्ञापन का कार्यक्रम था। सबसे बड़ी इसमें मेन मुख्य बात ये है कि जून 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अधिकारों को और राज्यपाल के अधिकारों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि दिल्ली के पास तीन मुद्दों को छोड़कर, जिसमें जमीन, पुलिस और कानून, इन तीनों को छोड़ के हर चीज़ पे फैसला लेने का अधिकार दिल्ली सरकार का है, ये बिल्कुल स्पष्ट था। और दिल्ली की संविधान पीठ के इस फैसले को भता बनाते हुए केंद्र सरकार जो है आज ये बिल्कुल कुकृत्य कर रही है, असंवैधानिक काम कर रही है और लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही है। ये आंदोलन को कहाँ तक ले जाएंगे? देखिए आंदोलन का कोई समय नहीं होता है, जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होंगी, इस बिल को जो है निरस्त नहीं किया जाता है, वापस नहीं लिया जाता है, हम लगातार इस तरह के आंदोलन करते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।